लेकिन अब वह समय आ गया था जब उन्होंने अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से समस्त मानव जाति पर उपकार किया। और महाबली दशरथ जी ने अपने पूरे साहस और पुरुषार्थ के साथ अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र एकजुट कर अपने दिव्य रथ पर बैठ के अत्यंत वेग से स्वयं से पृथ्वी से दूर रोहिणी नक्षत्र मंडल के आगे अपने रथ को लाकर खड़ा कर दिया। वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि शनिदेव जब रोहिणी नक्षत्र की ओर बढ़ रहे हैं, तभी उन्होंने शनिदेव को लक्ष्य बनाकर अपने दिव्य धनुष पर महाशक्तिशाली संघारास्त्र चढ़ाया। शनिदेव जी ने जब ऐसे देखा तो उनसे कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? तब दशरथ जी ने उन्हें सब बात बताई। इस पर शनिदेव जी ने हंसते हुए कहा, हे राजन, मैंने आपका जैसे पुरुषार्थी व्यक्ति नहीं देखा, क्योंकि देवता असुर मनुष्य मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त होकर भस्म हो जाते हैं, और आप अभी तक जीवित हैं। हे रघुनंदन, मैं आपकी तपस्या, निस्वार्थ भाव और पुरुषार्थ को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो वर मांग लो। महाराज दशरथ ने उनसे जन कल्याण के लिए यह वरदान मांगा कि जब तक पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा है, तब तक आप रोहिणी नक्षत्र को नहीं भेदेंगे। शनिदेव ने उनकी ये बात मान ली और उनको ये वरदान देके दूसरा वरदान भी मांगने को कहा। तब दशरथ जी ने दूसरे वरदान में ये मांगा कि आप 12 वर्षों तक पृथ्वी पर विनाश, अकाल, महामारी नहीं करेंगे, जिसे शनिदेव ने तथास्तु कहकर स्वीकार किया। महाराज दशरथ जी बहुत प्रसन्न हो गए और वो रथ से नीचे उतर के शनिदेव जी की स्तुति करने लगे। शनिदेव जी ने दशरथ जी की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें एक और वरदान लेने के लिए कहा। तब दशरथ जी ने हाथ जोड़ के तीसरा वर मांगा कि हे सूर्य पुत्र शनिदेव जी, आज से आप किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं दें। तब शनिदेव ने कहा, प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही ग्रहों के द्वारा सुख व दुख पाता है, इसलिए ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न, तो जो भी लोग इस स्तुति का श्रद्धा से पाठ करेंगे तो वो मेरी पीड़ा से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद दशरथ जी शनिदेव से विदा लेके प्रसन्नचित से जन कल्याण के वरदान लेके अपने दिव्य रथ से वापस पृथ्वी लोक में अयोध्या आ गए। आशा करता हूँ ये कथा सुन के आपकी भी पुरुषार्थ की भावना मजबूत हुई होगी और आप भी दशरथ जी द्वारा रचित शनिदेव की स्तुति का पाठ अवश्य ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ भी अच्छा लगा तो मेरी कोशिश सफल हुई। जय श्री राम।